कोटका विधानसभा क्षेत्र और वहाँ के विधायक संजीव सदार जी हैं और हम पहुँचे उनके आवास जहाँ पर वह निकलेंगे अपने क्षेत्र के लिए भवन के लिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। इलाज के समय लगे समय बेसी तो नहीं हो कने आज काली पूजा हो छे सवाई नहीं जानी टाइम ससन पता था ने को संजीव सरदार जिंदाबाद 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 संजीव सरदार जिंदाबाद 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 विधायक संजीव सरदार जिंदाबाद 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 जय झारखंड जय झारखंड जय झारखंड जय झारखंड जय झारखंड লকডাউন আর আনলকডাউনে আমরা বিকাশের একটা মহামারী আসিল এক মাস হয়েছিল কি নেই হয়েছিল বনবার তো उनके आवास से आज हम लोग गांव-गांव भ्रमण कर रहे हैं। वह कैसा करते हैं, कैसा गांव से मिलते हैं। हम जिस जगह में खड़े हुए हैं चाकरी गांव है। कैसा हो संजीव सरदार, कैसा हो हमारा विधायक, कैसा हो संजीव सरदार, कैसा हो हमारा मुख्यमंत्री, कैसा हो हेमंत सोरेन, कैसा हो हमारा मुख्यमंत्री, कैसा हो हेमंत सोरेन, कैसा हो विधायक जी, जिस क्षेत्र में घूम रहे हैं हम लोग भी आपके साथ सुबह आवास से निकले हैं, लेकिन गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है। गांव के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, गांव में मांग किया जा रहा है उनको स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए बस की सुविधा मिल रहा है, लेकिन और चाहिए। हेल्थ के लिए मांग रहे हैं, इसके लिए क्या क्या पाइपलाइन योजना जो चुनाव आचार संहिता कारण रुक गया। देखिए काम तो सभी चल रहा है, नया योजना जो पूर्व से चालू हुआ है हमारे सभी काम धरातल पे चल रहा। हाँ ये है कि काम एक डेढ़ साल से चल रहा, अगर कोविड कोरोना ना आता तो आज सभी योजना धरातल पे दिखता है। और बात ये है आज स्कूल कॉलेज की जो व्यवस्था है वो बनाया जा रहा धीरे धीरे, और आने वाला दिन में जो स्कूल जाने के लिए बस, ये कॉलेज जाने के लिए बस, बस की जो बात है, देखिए यहाँ पे जो भौगोलिक स्थिति है काफ़ी दूर दूर में हमारे इस क्षेत्र के गांव बसे हुए हैं, और वास्तविक यही है कि कॉलेज जाने के लिए बस भी चाहिए। तो ऐसे स्थिति में हमारे झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री ग्रामीण बस गाड़ी योजना अंतर्गत चलाई जा रही है, शुरू में एक बस चल रही है। अगर किसी को जाने का हो जमशेदपुर, चाहे DC SP ऑफिस हो, चाहे हमारा एजुकेशन के लिए जाना हो, तो उस परिस्थिति में उनको तो निःशुल्क सुबह और शाम चलने का काम हो रहा है, वह क्षेत्रवार चिन्हित करके भेजने का काम किया जा रहा है। और आने वाला दिन जब यहाँ पे हमारा पॉलिटेक्निकल कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज जब खोल जाएंगे, तो हमारे लोगों को, बच्चे को जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ साइकिल मोटरसाइकिल में माड़ भात मूढ़ी खा के पढ़ाई करेंगे। एग्रीकल्चर क्षेत्र है, बहुत अच्छा यहाँ पर आपका धान उनका उपज हुआ है, लेकिन उनको सिंचाई की सुविधा के लिए क्या आपके साथ मुख्यमंत्री जी का बात हुआ उस एग्रीकल्चर डेवलप के लिए? देखिए सिंचाई क्षेत्र में यहाँ प्रशिक्षण देने के लिए हमारे कृषक पाठशाला बनाया जा रहा 22 एकड़ ज़मीन में बालीजुड़ी में, और 3.5 करोड़ लगभग राशि से वो प्रशिक्षण किया जाएगा कि वर्तमान समय में कैसे कैसे उन्नत खेती होगा, इसके लिए जानकारी के लिए बनाया जा रहा।
और आज के दिन में देखा जाए कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए जहाँ की पानी की जरूरत है, पानी का मेन कहीं भी हो खेती के लिए पानी चाहिए, और पानी का जरूरत दूर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री बिरसा कूप योजना लाए हैं। कोई भी खेती बाड़ी करना चाहते हैं उसको बिरसा कूप के माध्यम से कूप बना के पानी का स्रोत, और साथ साथ और जो कृषि के बारे में पता नहीं उसको अच्छा प्रशिक्षण देके आगे बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में ये सरकार कर रही है। समय कम है, दिवाली को छोड़ के विधायक जी गांव गांव घूम रहे हैं और एक मकसद है कि वहाँ के गांव के लोगों को दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा यानी टुसू पर्व भी अच्छा से मनाया जा सके। विधायक जी कोई विजन में काम करते हैं, रोड, नाली, बिजली, पानी तो सभी दे सकता है, लेकिन आने वाले 5 साल 10 साल उनके पास क्या मेगा प्रोजेक्ट है यह बहुत बड़ी चीज़ है। संजीव सरदार जी आने वाले 5 साल 10 साल के पास उनके पास प्रोजेक्ट है और हमें लगता है उसमें ही ध्यान दे रहे हैं और हम लोग भी इस चीज़ का खोजने का कोशिश कर रहे हैं। आइए दूसरे गांव जाते हैं, वहां के लोगों से कुछ बात करते हैं। हमारा विधायक कैसा है? संजीव सरदार जैसा हो। हमारा विधायक कैसा हो? संजीव सरदार जैसा हो। हमारा विधायक कैसा हो? संजीव सरदार जैसा हो। हमारा मुख्यमंत्री कैसे हो? हेमंत सोरेन जैसा हो। हमारा मुख्यमंत्री कैसे हो? हेमंत सोरेन जैसा हो। बोलो बोलो बोलो। संजीव सरदार जिंदाबाद। संजीव सरदार जिंदाबाद। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। बिजली बुझे हुआ बिल का ही है इना हुआ माने 200 यूनिट बिजली फ्री फिर हुआ अब संजीव सरदार के निर्यात जीता कते खुलिया रांची तो फिर दिसंबर महीना रे आपे 2500 कते आपे अकाउंट रहे। हमारे माननीय विधायक से बहुत फैसिलिटी मिला है, जैसे कि हमारा गांव में महिलाओं को मैया सम्मान योजना, जैसे आपका बिजली माफ़ी हुआ, किसी माफ़ी। ऐसे आज विधायक जी का क्या कर रहा है जी? आज विधायक जी आए हैं क्या जी? बस हम लोग उम्मीद यही करेंगे कि पहले बार विधायक फिर से बने और हमारे राज्य में हेमंत सरकार फिर से कुर्सी संभाले। विधायक जी से जितना संभव मिला सब कुछ मिला है, मैया सम्मान योजना मिला है, सड़क वगैरह बना है, चापाकल वगैरह बना है, स्कूल वगैरह बना है, सारे चीजें। क्या क्या स्कूल बना? प्राइमरी स्कूल तक यहाँ चलता है। विधायक जी से आप लोग क्या क्या रिक्वेस्ट किए थे जब विधायक बने थे? क्या क्या रिक्वेस्ट किए थे? मूलभूत जो है ना, जो हम लोग का जो ना जरूरत का चीज है, जैसे कि सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, ये सब जो है ना हम लोग को चाहिए। विधायक जी कितना परसेंटेज दिए आपको? 100% तो नहीं बोला जाएगा, लेकिन आधा से ज्यादा कम निकाल दिए। और आने वाले 5 साल में क्या क्या मांगेंगे? जितना बाकी बच रहा है ना उसको हम लोग पूरा करवाएंगे। हेल्थ के लिए कहाँ जाते हैं आप लोग जी? हेल्थ के लिए बीमार होते तो बीमार के लिए यहाँ चाकड़ी में है, अभी रिसेंटली फिर जो ना पटापनी गांव में भी बन गया है, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं ब्लॉक ऑफिस, चलते हैं सदर, चलते हैं जहाँ जिस समय जैसा जरूरत पड़ता है। और कोई पार्टी के आते हैं कार्यकर्ता नेता आते हैं इस गांव में? इस गांव में तो आने का तो आते हैं, लेकिन वो लोग सदर में नहीं आते, छुपे छुपे आते हैं। यहाँ के बीरा मुंडा कभी आए हैं इस गाँव में विजिट किए हैं? बीरा मुंडा हम तो नहीं देखे। संजीव सरदार जिंदाबाद। जीतेगा भाई जीतेगा। संजीव सरदार आज का पुकार रे। हेलो
यहाँ के स्थानीय विधायक पोटका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत झासूगोड़ा गांव जहाँ पर दिवाली मना रहे हैं और साथ ही साथ पार्टी में ज्वाइनिंग भी करा रहे हैं। बसंती सरदार जननी पात्र जयंती नंदी आज फोटो लो सबके छुआई कल्पना दीदी कल्पना पात्र के जासो नहीं कल्पना के जासो कल्पना के जासो सरदार विशाल गो बाबू ভারী বহুমত জিতা জিতাই এবারে সব যত বড় লোক আছেন সবাইকে আশীর্বাদ দিতে পারবে ছোট রেখে যে এমন করে আমরা এরা ভোট দিয়ে জিতাই যে আগামী বারে প্রচন্ড ভোটে এরা জিতুন আর যাই বিধানসভায় বসুন আর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন একবার শুনুন এই রাজ্যের রাজভার সমাজ এই সামনা আর যত যোজনা গা আছে ছোট ছোট যোজনা গাকে ওরা সুচারুরূপে যেমন চালু থাকুক আর একটা এই মাইয়া সময় গঙ্গাডি পঞ্চায়েত কে ডাটো বড়া গ্রামে কিতনা 28 জনি হুয়া 30 22 মহিলা আর যুবা লোক ये लोग काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। इतनी खुशी थी इनमें कि कब विधायक जी आएंगे और कब हम लोग जल्दी से इस पार्टी में शामिल होंगे। खुशी बहुत है। 5 बजे से बैठे हुए हैं सब हम लोग। 5 बजे से हम लोग बैठे हुए हैं इंतजार में कि कब हम लोग विधायक जी आएंगे और उनसे थोड़ा वार्तालाप करके हम लोग ज्वाइनिंग करेंगे। कैसे लग रहा है गाँव में सब महिला पुरुष बच्चे ज्वाइनिंग कर रहे हैं इंतजार कर रहे हैं दिवाली जैसे इस महापर्व में? आज काली पूजा है, दीपावली है और इस शुभ घड़ी पर झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में महिलाएं जुड़ रही है, युवा जुड़ रहे हैं, काफी खुशी की बात है। और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में सदस्यता बढ़ रहे हैं और हम लोग सभी मिल करके इस बार भी हम लोग झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनाएंगे। विधायक संजीव सरदार को पुनः हम लोग दोबारा विधायक बना करके विधानसभा भेजने का काम करेंगे। कैसे लगा आप पहले भारतीय जनता पार्टी में था, जेएमएम ज्वाइनिंग किया जी, क्यों ज्वाइनिंग किए, क्या चीज लगा संजीव सरदार जी का? जो अच्छा काम कर रहे हैं, विकास अच्छा ला रहे हैं, महिला के लिए सोच रहे हैं, बहुत कुछ काम किए हैं सब हम लोग। उनका जो किताब था हम लोग सब पढ़े, कहाँ कहाँ क्या काम हुआ क्या नहीं, क्या काम अच्छा लगा? सभी काम अच्छा लगा। और वो फिलहाल अभी जो मैया सम्मान सबसे मैंने बढ़िया लगा, जो औरत लोग को जो पैसा मिल रहा है तो वो सब अच्छे है। ভালো
Thank you.